हेलो दोस्तों, हमारी दुनिया में पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए भगवान ने सभी जीवों को एक अहम जिम्मेदारी दे रखी है। इन्हीं जीवों में से एक चींटी है। अक्सर आपने देखा होगा कि चींटी हमेशा एक लाइन में चलती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों है? चलिए हम बताते हैं कि क्या है इसके पीछे का असल कारण। चींटियाँ को आप सामाजिक प्राणी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये हर जगह पाए जाते हैं, फिर चाहे वो गांव हो या शहर। ये हमेशा कॉलोनी बनाकर रहते हैं, जिसमें रानी चींटी, नर चींटी और बहुत सारी मादा चींटियाँ होती है। नर चींटियों की पहचान ये होती है कि उनके पंख होते हैं, जबकि मादा चींटियों की पंख नहीं होते। आपको जानकर हैरानी होगी कि चींटियाँ की आँखें होती है, लेकिन वो सिर्फ दिखावे के लिए होती है, उससे वह देख नहीं सकती। खाने की तलाश में जब ये चींटियाँ बाहर निकलती है, तो उसकी रानी रास्ते में फेरोमोन्स नाम का एक रसायन छोड़ते हुए जाती है, जिसकी गंध सूंघते हुए बाकी चींटियाँ भी रानी चींटियाँ के पीछे पीछे चलती जाती है, जिससे एक लाइन बन जाती है। यही वजह है कि चींटियाँ एक लाइन में चलती है। अंटार्कटिका को छोड़कर दुनिया के हर कोने में चींटियाँ पाई जाती है। दुनिया की सबसे खतरनाक चींटी ब्राज़ील में स्थित अमेजन के जंगलों में पाई जाती है। कहते हैं वो इतना तेज़ डंक मारती है जैसे लगता है बंदूक की गोली शरीर में चली गई हो। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चींटियाँ सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाली कीड़ों की श्रेणी में आती है। दुनिया में कुछ कीड़े ऐसे हैं जो महज कुछ दिनों या कुछ घंटे ही जीवित रहते हैं। वही इसके विपरीत एक विशेष प्रजाति पोगोनोमिमेक्स आही की रानी चींटी 30 सालों तक जिंदा रहती है। इसके अलावा और चींटियों की बात करें तो दुनिया भर में चींटियों की 10,000 से भी ज़्यादा प्रजातियाँ मौजूद है। आकार में ये 2 से 7 मिलीमीटर के बीच होती है। सबसे बड़ी चींटी कार्पेटर चींटी कहलाती है। इसका शरीर 2 सेंटीमीटर बड़ा होता है। एक चींटी अपने वजन से लगभग 20 गुना ज़्यादा भार उठा सकती है। तो ऐसे ही और जानकारी पाने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले ही ऐसे किसी वीडियो में।